Uirna mo ni nonda inu inu ena bisi ni mataka. Merse sumi da kena loma di na kena mikron. Sakena ngau na mita robi na nonda bang sengai kapa loma taki na ngani. Dalami na oya wa meliki. Bulre oya wa Samuel Samuel. Nama kiki rau ena bisi mataka. Boni ti kena mukrombuka. Ni boi ti ni kali mana mini ti me ono kena ti ni na kaloko. Ena radio Fiji One nando mo ibiti. Ina pina na mataka. Dan ramai na singa bo. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं कृतिका कुमार। डॉक्टर जूलियो पाउंगा को यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक के एक्टिंग वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर पाल आलूवालिया की डिपोर्ट होने के बाद उन्हें अपॉइंट किया गया। पाउंगा फिलहाल रीजनल कैंपस एस्टेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेप्यूटी वाइस चांसलर है। यूएसपी काउंसिल ने आज शाम को कहा है कि एक सब कमेटी को अपॉइंट किया गया है जो मामलों पर गौर करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक के वाइस चांसलर प्रोफेसर पाल आलूवालिया और उनकी पत्नी सांड्रा प्राइस पर लगाए गए आरोप को लेकर और जानकारी की मांग कर रहे हैं। आलूवालिया और प्राइस को कल डिपोर्ट किया गया जबकि उन्होंने इमिग्रेशन एक्ट के सेक्शन 13 का उल्लंघन किया था। नेशनल फेडरेशन पार्टी लीडर प्रोफेसर बिमान प्रसाद का कहना है कि डिपोर्ट करने के ओडा को खारिज कर देना चाहिए और उन्हें देश में आने की अनुमति देनी चाहिए। सरकार के बयान के मुताबिक वाइस चांसलर और उसकी पत्नी ने कुछ एक्शन ऐसे लिए थे जिस वजह से उनके वर्क परमिट के कंडीशंस का उल्लंघन हुआ है। यूनाइटेड नेशंस ने घोषणा की है कि वे वनवालेवु में टीसी यासा से असर पड़े किसानों की मदद करने के लिए $1 मिलियन प्रदान करेंगे। यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर सनाका समरसिना ने कहा है कि 2,200 किसानों की मदद की जाएगी। प्रोजेक्ट 6 महीनों के लिए रहेगा जिसके जरिए फूड सिक्योरिटी को रिस्टोर किया जाएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स है। 1,100 स्मॉल स्केल फिशरमैन की भी मदद की जाएगी। और खेलकूद के खबरों में नेशनल सेवन्स कोच गैरेथ बेबा अपराइजिंग के दौरान खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस से खुश है। नेशनल साइड 16 टीम्स का हिस्सा है जो अपराइजिंग सेवन्स में खेल रहे हैं। बेबा का कहना है कि साइड में सुधार हुआ है। फिजी को 2 टीम्स फील्ड करने थे हालांकि खिलाड़ियों को चोट लगने की वजह से सिर्फ 1 टीम हिस्सा ले रहे हैं। बेबा का मानना है कि इससे खिलाड़ियों को फायदा होगा। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। हमारे खूबसूरत देश फिजी में चाइल्ड अब्यूज की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। क्यों बच्चों का मासूम बचपन अब्यूज का शिकार हो जाता है? अपने बच्चों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें। उनसे बातचीत करें, उनके दोस्तों के बारे में जानें। आज के बच्चे देश का भविष्य है। मैं दीप्ति और मैं मोनिश आपके हम सफर शामिल हो जाए हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे 5:45 AM से 10 AM तक रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन पर।